हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से हमारे अपने YouTube चैनल एस मॉम्स में, जहाँ पर हम आपको देते हैं महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियाँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने अपने चैनल पर दो वीडियोस अपलोड किए थे और उसमें हमने आपको बताया था वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण, टिप्स और उनके घरेलू उपचार। वैसे तो वेजाइनल डिस्चार्ज आजकल बहुत ही ज्यादा आम हो गया है लड़कियों और महिलाओं में, लेकिन कुछ लड़कियों और महिलाओं को हद से ज्यादा सफेद पानी की शिकायत होती है और उन्हें दिन में एक से दो बार अपनी अंडरवियर भी बदलनी पड़ जाती है। कमर के निचले हिस्से में दर्द है, वेजाइना में खुजली, अजीब सी स्मेल, शरीर भारी भारी लगना, शारीरिक संबंध बनाने के बाद दर्द होना, ये सब होने लगता है और इसे हम लिकोरिया कहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये समस्या क्यों होती है और साथ ही देंगे कुछ टिप्स जो आपको इस समस्या से उबरने में मदद करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करिएगा जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है कि ल्यूकोरिया के कारण और उससे उबरने के लिए कुछ टिप्स। तो आइए सबसे पहले इस समस्या का कारण जानते हैं। सबसे पहला कारण है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जो लड़कियां अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती, बाहर का खाना, फास्ट फूड, ये सब बहुत ज्यादा खाती हैं, तो आपको वो पोषण तत्व नहीं मिल पाते जिनकी आपके शरीर को जरूरत है, तो ये आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देते हैं और ये समस्या हो जाती है। दूसरा कारण हो सकता है UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है या हो जाता है अक्सर, तो भी ल्यूकोरिया की समस्या हो जाती है। तीसरा कारण होता है लैक ऑफ हाइजीन। अगर आप पीरियड्स में या नॉर्मल दिनों में भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती, कॉटन की जगह अलग अलग फैब्रिक की अंडरवेयर यूज करती हैं, तो बैक्टीरियल और यीस्ट इन्फेक्शन से भी ल्यूकोरिया हो जाता है। चौथा कारण है एनीमिया। अगर आप एनेमिक हैं और खून की कमी रहती है तो भी ये समस्या हो जाती है। पांचवा कारण है इंजरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस रही हैं या बार बार मिसकैरेज हुआ हो या यूट्रस पर चोट आई हो, तो भी ल्यूकोरिया हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इंटरकोर्स के समय हाइजीन मेंटेन नहीं कर रही हैं या इंटरकोर्स के बाद वॉशरूम नहीं जा रही हैं, तो भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये 6 मेन कारण होते हैं ल्यूकोरिया की समस्या के। बहुत सी लड़कियां और महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती क्योंकि उन्हें झिझक होती है अपनी समस्या बताने में और ध्यान भी नहीं देती। तो मैं आपको बता दूं कि ये इग्नोर करने वाली समस्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जब ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है और शरीर की हड्डियों को भी ये खोखला कर देती है। इसलिए इसे नजरअंदाज ना करिए और इसका इलाज कराइए। जब ये समस्या हो तो मिर्च मसाले वाला तला भुना खाना, बाहर का खाना, बासी खाना, ये सब आपको बंद कर देना चाहिए और ताज़ा घर का बना खाना खाना चाहिए और साथ ही हरे पत्तेदार सब्जियां और फल भी। साथ ही अपने प्राइवेट एरियाज को क्लीन रखिए ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। इसके अलावा अगर आप दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहती, जो कि ज्यादा करना भी नहीं चाहिए, और इसका घरेलू उपचार जानना चाहती हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका अलग से एक डिटेल वीडियो जरूर आपसे शेयर करूंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब वक्त है मेरे जाने का, फिर मिलूंगी आपसे एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहती हूँ, नमस्कार।